बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राज्यपाल जो है चंडीगढ़ आ सकते हैं, हरियाणा के राज्यपाल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चंडीगढ़ आ सकते हैं राज्यपाल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य आज शाम तक चंडीगढ़ पहुंचेंगे, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अपने गृह राज्य बिहार से लौटेंगे चंडीगढ़ के लिए, और जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। तो दिल्ली में सीएम के साथ बैठक भी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अनिल मोर से, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोनलाइन पर हमारे साथ। अनिल मोर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि राज्यपाल चंडीगढ़ आ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? देखिए, जो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव, इनके एक शादी कार्यक्रम है जो राज्यपाल के यहाँ पर, तो उस वजह से राज्यपाल फिलहाल छुट्टियों पर गए हुए थे। तकरीबन 22 तारीख के आसपास इनके यहाँ पर शादी कार्यक्रम है, जिस वजह से राज्यपाल यहाँ चंडीगढ़ में नहीं थे, फिलहाल वो छुट्टियों पर थे। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनकी तरफ से बताया गया है कि राज्यपाल आज शाम को चंडीगढ़ वापिस आ सकते हैं। आज शाम को एक दिन के लिए राज्यपाल का चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा उस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार है वो कब है, क्योंकि फिलहाल अमित शाह के आवास पर जो बैठक खत्म होगी, इसी के बाद जो एक फाइनल मुहर है, जो नामों पर अंतिम मुहर है, वो अमित शाह की लगनी है। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनकी तरफ से यही बताया गया कि शाम को राज्यपाल चंडीगढ़ आ सकते हैं। अब ऐसे में अगर राज्यपाल चंडीगढ़ आते हैं, शाम को चंडीगढ़ आएंगे, तो कल राज्यपाल चंडीगढ़ में रह सकते हैं। और इधर जो दिल्ली में बैठक चल रही है, इस बैठक के अनुरूप ही, क्योंकि बैठक का अंतिम मुहर अमित शाह की लगनी है, अगर अमित शाह की अंतिम मुहर लगती है तो उसी हिसाब से जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो जाएगा। यानी कि अनिल मोर, ये ना समझा जाए कि आज ही ये तमाम चीजें हो जाएंगी, कल के लिए भी जो है टल सकती हैं चीजें, अगर राज्यपाल आ जाते भी हैं चंडीगढ़ फिर भी। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल एक बज चुका है, लगातार बैठक चल रही है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि बैठक कब तक चलेगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, जो फिलहाल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनाया गया, उस कार्यक्रम के हिसाब से मुख्यमंत्री को रोहतक जाना है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई का निधन हुआ, तो वहां पर मुख्यमंत्री को शोक जताना, फिर उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का वापस दिल्ली गुरुग्राम आने का कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तय किए गए हैं। अगर इस बैठक में नामों पर मुहर लग जाती है, मंत्रिमंडल तय हो जाता है, तो शायद मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल मोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य आज शाम तक चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। फिलहाल अमित शाह के साथ दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की बैठक जारी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार कब तक उन तमाम नामों से पर्दा उठेगा जो नाम तय किए गए हैं मंत्रिमंडल को लेकर।